अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मनोसलवा, जिसमें आज मैं बना रही हूँ टोमेटो केचप और इसी केचप के मिक्सर से हम बनाएंगे चिली गार्लिक सॉस। रेसिपी को शुरू करते हैं, लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले मिल सके। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, टमाटरों को बॉईल करूँगी या फिर स्टीम करूँगी। ठीक है, मेरे पास एक बड़ा पतीला है, इसमें खाली पतीले के अंदर अब मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। मेरे पास यहाँ पे 6 किलो टमाटर है, इस तरह 2 पीस से मैंने कट कर लिया है। कट करना ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कट करने से फ़ायदा होता है, अगर टमाटर ख़राब हो तो उसे आप फेंक सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। अच्छा, इसके अंदर जो मैं 3 लीटर पानी ऐड करूँगी। ठीक है, अच्छा पानी आप कैसे मेजर करेंगे, मैंने भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल यूज़ कर रही हूँ, आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको अंदाज़ा अच्छी तरह से हो जाए कितना पानी आपने इसमें ऐड करना है। अगर आपके पास 1 लीटर की बोतल है तो आप 3 बोतल ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, मेरे पास 1.5 लीटर की बोतल थी तो मैं इसमें 2 बोतल ऐड कर दूँगी, तकरीबन 1 लीटर पानी हो जाएगा ये। ठीक है, 1 बोतल मैं ऐड कर चुकी हूँ, एक और ऐड करूँगी, फिर इसे मैं कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ले पकने दूँगी, तभी चाहे सॉफ्ट हो जाए। चलिए जी, 20 मिनट देखे हो चुके हैं। ठीक है, मैं टमाटरों को चेक करूँगी। ये देखें, तमाम टमाटर जो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल गल चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं तमाम टमाटरों को निकाल लूँगी। ठीक है, लेकिन पानी का मैं यूज़ करना है, पानी फेंकिएगा नहीं, बस तमाम टमाटरों को इस तरह से ऊपर से हम निकाल लेंगे और उसको मुकम्मल तौर पर ठंडा करूँगी तमाम टमाटरों को। उसके बाद मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी और जो पानी मेरे पास महफूज किया हुआ है वो मैं छान लूँगी, ताकि हमें जहाँ जहाँ पानी की रिक्वायर्ड हो हमें टमाटरों का पानी यूज़ करेंगे, ताकि जो फ्लेवर सारा है वो उसमें मौजूद रहे। चलिए, बस मैं सारे सारे निकाल के ठंडा करके इसे ब्लेंड कर लेती हूँ। चलिए जी, देखिए तमाम के तमाम ठीक है टमाटर्स को मैंने जो है ब्लेंड करके निकाल के इस तरह से स्ट्रेन कर लिया। ये करना बहुत ज़रूरी है और अच्छी तरह से बिल्कुल आपने इसको प्रेस कर करते हुए जो है स्ट्रेन करना, ताकि तमाम के तमाम सीड्स और स्किन जो है वो निकल जाए। क्या करूँगी, स्पाइसेस ऐड करूँगी। ठीक है, हमारे जो टमाटर का पेस्ट है इसके अंदर, लेकिन अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इस पेस्ट में भी तमाम के तमाम स्पाइसेस को ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी, मेरे पास ये ब्लेंडर का जग रखा हुआ है। ठीक है, मैं भाई तमाम स्पाइसेस जो मेरे पास है मैं इस ब्लेंडर में ऐड करूँगी, ब्लेंड करके फिर मैं ऐड करूँगी, ताकि तमाम जो ब्लेंडर में ऐड करने के बाद अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे तो उसमें आराम से मिक्स भी हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पहले क्या है, सॉल्ट है, यहाँ पर 3 टेबल स्पून जो सॉल्ट है इस ब्लेंडर की जगह मैं ऐड कर दे रही हूँ। 2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, धनिया पाउडर जो होता है इसे भी ऐड कर दूंगी इसके अंदर। अच्छा, अब ये मेरे पास 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है और ये 1 टेबलस्पून जो है तिलहाड़ मिर्च का पाउडर है। अगर आप चाहें तो रेड चिली जो स्किप कर सकते हैं, आप 2 से 3 टेबलस्पून तिलहाड़ मिर्च का पाउडर ही ले लीजिएगा, आपकी चॉइस पर है। ठीक है, अब मैं दोनों को इसके अंदर ऐड करूँगी। अच्छा, मैं जो बना रही हूँ मैं इसमें केमिकल यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर सोडियम बेंजोएट है जो कि मैंने 20 ग्राम लिया हुआ है, इसे भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो केमिकल को स्किप कर सकते हैं, बाकी के स्टेप को वैसे ही फॉलो कर सकते हैं, आपकी चॉइस पर है। अब मैं इसके अंदर रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ, पाउडर फूड कलर था उसको मैंने जो है 1/2 टीस्पून रेड फूड कलर को मैंने डिजोल्व कर लिया वाटर में। कलर भी आपकी चॉइस पर है, ऐड करना चाहे तो करें वरना स्किप कर दें, और ज़्यादा कम भी अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस पर है। अच्छा, उसको ब्लेंड करने के लिए पानी जो मुझे ऐड करना है वो मैं टमाटर का पानी ही यूज़ करूँगी, जो हमने शुरू में सेव किया था उसी को मैं ऐड कर दूँगी, और फिर मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करके अपने टमाटर के पेस्ट में ऐड कर दूँगी। चलिए, अब तमाम तमाम जो स्पाइस का मिक्सर था इसमें ऐड कर दे रही हूँ मैं। ठीक है, अच्छी तरह से उसको मिक्स करूँगी पहले मैं। चलिए, देखिए तमाम के तमाम ठीक है स्पाइस मैंने इसके अंदर अच्छा मिक्स कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास दूसरा केमिकल है, ठीक है, जैंथियम गम। ठीक है, ये जो है इसको थिक भी करेगा और जो है इसको प्रिजर्व भी करेगा, तो इसको भी ऐड करूँगी और इसको भी मैं पहले ब्लेंड करूँगी, 1/2 मिनट से भी कम ब्लेंड करना है। ठीक है ना, अब इसमें भी मैं जो है टमाटर का पानी ही ऐड करूँगी और उसके साथ ब्लेंड करके इससे भी केचप के जो मिक्सर में रेडी किया हुआ है उसमें ऐड कर दूँगी। चलिए, देखिए ठीक है, अच्छे से ब्लेंड हो गया, तमाम तमाम इसके अंदर ऐड करूँगी, अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी, इस तरह गाढ़ा जाता है। चलिए, देखिए इसको अच्छी तरह से ठीक है मैंने मिक्स कर लिया है विक्स के साथ, ताकि कोई भी लम्स ना रहे और जितना भी हमने इसके अंदर स्टेबलाइजर डाला था वो सारा अच्छे से मिक्स हो जाए।
ये अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें बाकी के जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो भी ऐड करूँगी। मेरे पास यहाँ पे चीनी है, ठीक है, 4 कप चीनी है, इसे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ज़्यादा कम कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पर है। 1 कप सफ़ेद सिरका इसे ऐड करूँगी। टाट भी ऐड करूँगी, ठीक है, 2 टेबलस्पून, 2 से 2.5 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। चेक कर लीजिएगा जितनी टाट चाहिए आपको, सबसे आप बढ़ा सकते हैं। बस इन सब कुछ ऐसे मिक्स करूँगी। तमाम ठीक है चीज़ों को मैंने इसे मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर जो हमारे पास टमाटर का पानी था वो ऐड कर दूँगी। अच्छा, चूँकि मुझे इसी से ही चिली गार्लिक सॉस भी बनाना है तो मैं इसको 2 हिस्सों में कर लूँगी इसी स्टेज पर। बस जितना से मिक्स हो रहा है करने के बाद, बाकी देखिए पतीले में पानी रिमेनिंग है, इसे रहने दूँगी और मैं आधा केचप जो है इस दूसरे पतीले में निकाल लूँगी ताकि इसमें हम गार्लिक सॉस बना सकें। चलिए ठीक है, अब मैं इसमें से क्या करूँगी, आधा जो हमारे पास केचप का मिक्सर हमारे पास रेडी था इसमें से निकाल दूँगी, क्योंकि मुझे इसमें चिली गार्लिक सॉस बनाना है। ये मर्ज़ी आप पर है कि आप बनाना चाहते हैं तो ठीक है इस तरह से बना लें, वरना पूरा केचप बना सकते हैं। अगर आपको चिली गार्लिक सॉस नहीं बनाना तो आप ये वाला स्टेप जो है स्किप कर दीजिएगा। बाकी फिर आप जब चीज़ें मिक्स करने के बाद केचप की पतीली को चूल्हे पर रख के पकाने रख दीजिएगा। लेकिन चूँकि मुझे गार्लिक सॉस बनाना है इसलिए मैं इसको अलग कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें चीज़ें ऐड करके दोनों एक साथ पकने रख दूँगी चूल्हे। देखिए मैंने क्या किया, दोनों को हाफ हाफ कर लिया। सही है, ये देखिए अभी भी अच्छा खासा गाढ़ा है ये। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे मज़ीद पानी ऐड करना है क्योंकि अब जब पकेगा ये तो फिर गाढ़ा हो जाएगा। देखिए ये भी अच्छा खासा जो है अभी गाढ़ा है, थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ। ये आपकी मर्ज़ी पर है, आपने कितना पानी ऐड करना है, कितना पतला रखना है, कितना थिक रखना है, ये आपकी अपनी चॉइस है। चीनी ज़्यादा कम कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पर है, क्योंकि पकने के बाद जब ठंडा होगा तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। ये हमारा केचप का मिक्सर है, ठीक है, बस ये बिल्कुल रेडी है, इसको सबने पकाना है। और इस पतीली के अंदर मैंने जो है चिली गार्लिक सॉस का मिक्सर रखा हुआ है, थोड़ा सा पानी इसमें भी ऐड कर दूँगी। मेरे पास जो चिली गार्लिक का मिक्सर जो मैंने अलग किया था वो वाला मिक्सर है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा कम आपकी मर्ज़ी पर कर सकते हैं। इसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे 1 बल्ब होता है गार्लिक का, पूरा मैंने एक बल्ब लिया था, ठीक है, गार्लिक का, उसको मैंने अच्छी तरह से जो है ग्रेट कर लिया है। ग्रेट कर लें या चाहें तो उसको चॉप कर लें बारीक, आपकी मर्ज़ी पर है। ये सब का इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको भी चूल्हे पर रख दूँगी पकने के लिए। दोनों को हमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पकाना है ताकि अच्छा थिक भी हो जाए, तमाम चीज़ें जो है मिक्स होकर पक जाएँ और इसका जितना पानी वो रिड्यूस हो जाए। बस मिक्स करके इसे मैं चूल्हे पर रख दूँगी। मैं दोनों पतीले ठीक है चूल्हे पर रख दिए हैं, ठीक है। ये वाला जो है हमारा केचप का मिक्सर है, ठीक है, इसमें केचप बन रहा है। और जो ये वाला मिक्सर है हमारा, ये चिली गार्लिक का मिक्सर, ठीक है। दोनों पकेंगे, तकरीबन 1 घंटा पकाना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देना है इसको। अच्छा, इस स्टेज पे आप चाहें तो तमाम चीज़ चेक कर सकते हैं, आप इसका कलर भी देख लें। आपको ज़्यादा डार्क चाहिए तो आप कलर्स में और ऐड कर सकते हैं इस स्टेज के ऊपर, ठीक है। अब इसका सॉल्ट, टाटरी और जो मिर्च हमने ऐड की चिली गार्लिक में वो भी चेक कर सकते हैं, और शुगर भी चेक कर सकते हैं। इस स्टेज पर अगर आपको डालना हो उसके अंदर कोई चीज़ तो आप इसे मज़ीद डाल सकते हैं। बस अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करके छोड़ रही हूँ दरमियानी आंच पर ताकि ये पकता रहे। चलिए जी, 1 घंटा ठीक है हो चुका है। देखें हमारा जो चिली गार्लिक सॉस था बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि बिल्कुल पक चुका है 1 घंटे के बाद? आपने क्या करना है, आप इसको चेक करना है। चेक कैसे करेंगे, आपने उसे प्लेट में निकालना है, ठीक है। मैं निकाल कर दिखा देती हूँ आपको, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। जब पक जाएगा तो उसके पास में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब आप इसे इस तरह से निकालेंगे, देखें थिक कितना हो गया है। मज़ीद थिक भी अगर करना है आपको तो आप इसके अंदर जो हमने जैनसम गम डाला था वो आप उसकी मिकदार ज़्यादा कर दीजिए, ठीक है। वो ज़्यादा ऐड कर दीजिए, तकरीबन 30-40 ग्राम उसमें ऐड कर दीजिएगा। लेकिन अभी ठंडा होने के बाद मज़ीद ही जो है थिक हो जाएगा। ये चिली गार्लिक सॉस देख लीजिए, ये देखें मैंने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखा क्योंकि अभी ठंडा होने के बाद थिक हो जाएगा। देखें साइडों में कहीं पे भी इसके पानी मौजूद नहीं है, ठीक है। इस तरह फिंगर से भी करने से कहीं पे भी पानी जो है नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि तमाम के तमाम जो पानी इसके अंदर मौजूद था वो रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। हमारा चिली गार्लिक सॉस बिल्कुल रेडी है। चलिए अब केचप को चेक कर लेते हैं। चलिए देखिए केचप बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसका भी इतना प्यारा कलर आया है, ये कितना खूबसूरत कलर इसका आया, बिल्कुल बाजार जैसा कलर आया है, ठीक है। इसे भी चेक कर लेंगे, वैसे हो चुका है ये भी। इसको मैंने ज़्यादा पतला रखा है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करा है, ठीक है, क्योंकि एक ही मिक्सर से बनाया दोनों को मैंने। ये भी ठंडा ही गाढ़ा हो जाएगा। चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं, पेट में डाल के देख लेते हैं। ये देखिए सेम मुझे जैसे चेक करेंगे, ठीक है, कहीं पर भी देखें पानी जो है मौजूद नहीं है, साइडों में कहीं पर भी इसके पानी मौजूद नहीं है। इस तरह करने से भी देखिए बिल्कुल साफ़ हो रहा है, कोई पानी जो है नहीं आ रहा है।
ठीक है। इसमें हमारा केचप बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है। इसको भी अब मैं निकाल ठंडा करूँगी, मुकम्मल ठंडा करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से और थिक हो जाए। इसके बाद मैं आपको बस की फाइनल लुक दिखाती हूँ। चलिए जी, देखिए हमारे केचप और चिली गार्लिक सॉस दोनों बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, मुकम्मल अब ठंडे हो चुके हैं, ठीक है। मैं इसका पतीला चेंज कर दिया था ताकि जल्दी ठंडे हो जाएँ। ये देखें, ये अच्छा खासा गाढ़ा भी हो चुका है, ये देखें, ठीक है। ये केचप भी बिल्कुल रेडी है हमारा, और हमारा चिली गार्लिक सॉस था वो भी बिल्कुल रेडी है, और वो भी अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है, दोनों बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसे किसी साफ सुथरे अच्छे से एयर टाइट बॉटल्स के अंदर जो है डाल के रख दूँगी। आप इसी तरह बना के इसे बॉटल के अंदर सेव कर सकते हैं, और रमज़ान में भी, और रमज़ान के अलावा भी आप इसे बना के यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब इसे मैं तमाम को बॉटल में डाल दूँगी। जी, टमाटो केचप एंड चिली गार्लिक सॉस दोनों रेडी हो चुके हैं, इसे मैंने सर्व कर दिया है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आई होप पसंद आएगी रेसिपी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।